हाय एवरीवन, आज हम सूजी और आलू से बना बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। बच्चे को टिफिन में दे सकते हो, सुबह शाम की नाश्ते में बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है, एकदम नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चलिए नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गई है, 1.5 कप पानी मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, अब पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गई है, अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 1.5 कप पानी में 1 कप सूजी मिलाएंगे। अब इसको चलाते रहेंगे जब तक ड्राई ना हो जाए और कढ़ाई में से छोड़ ना दे। इस प्रोसेस को गैस का फ्लेम लो करके ही करना है। ड्राई हो गई है, कढ़ाई में से छोड़ भी दिया है, अब प्लेट में निकाल लेंगे। अब डो को ठंडा होने देंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच राई डालेंगे, कुछ सेकंड के लिए छटकाएंगे। छटक गई है, थोड़ी सी अदरक डालेंगे ग्रेट करके और 2 हरी मिर्च, कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। भून लिया है, 2 बॉयल आलू को ग्रेट करके ले लिया है, वो डालेंगे। अब हम मसाले मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, चटपटा बनेंगे। अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसाले में बना के दिखा रही हूँ, अब प्याज भी डाल सकते हो, मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। 1 मिनट आलू को भून लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से भूनने से। भून लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और आगे की तैयारी करते हैं। इधर डो भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हो गई हम सो सकते हैं। अब इसको मसल के चिकना करके ले लेंगे। चिकना करके ले लिया है, 3 हिस्से में बांट लेंगे। एक हिस्सा ले लेंगे, चकला ले लिया है, चकला के ऊपर गोला करेंगे। बेलन में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए बेल लिया है, इसी तरह से हमें बेल के लेना है। अब किनारी से इस तरह से कट लगा लेंगे। किनारी को हम दोबारा बना लेंगे, फिर बीच में से कट लगा लेंगे, फिर इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इधर आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, थोड़ी सी पोर्शन ले लेंगे, इस तरह से गोला करेंगे, फिर बीच में रख लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। फिर इधर से ला के यहाँ पर बीच में रख जोड़ लेंगे इस तरह से, में कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही आसान है बनाना, इस तरह से बंद करेंगे। देखिए इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी नाश्ता को बना के रेडी कर लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। एक बाउल ले लिया है, 1 कप मैदा ले लेंगे, मैदा की जगह आप आटे भी ले सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर बना लेंगे, पतला सा तरह से मिक्स करेंगे, कोई घाटे ना रहे। मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी नमक मिलाएंगे ताकि फीकी ना लगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, करी पत्ता डालेंगे। एक बार करी पत्ता डाल के बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, करी पत्ता नहीं है तो आप धनिया पत्ता डाल सकते हो। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से बेटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और जो नाश्ता रेडी किया है वो नाश्ता हम इसमें डिप करेंगे इस तरह से, फिर ऑयल में छोड़ेंगे। अब हम गैस पे चलते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल का अच्छी तरह से गर्म करके लेना है। अब हम एक एक करके नाश्ता को इस तरह से डालेंगे। एक बारी में जितना नाश्ता आ जाए उतना ही नाश्ता डालिए। डाल दिया है, एक साइड सेकने देंगे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। एक साइड सेक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। इधर भी कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अलट पलट के क्रिस्पी होने तक और कलर चेंज होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके ही सेकना है। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 10 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो, सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो, अचानक मेहमान आने पर भी बना सकते हो, बच्चे को टिफिन में दे सकते हो, घर पर आके भी मांगेंगे। इसको खाने के बाद बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी है। नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। पास से दिखा रही कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी नाश्ता को रेडी करके ले लेंगे।
देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, खाने के लिए कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप खाली भी खा सकते हो, सॉस के साथ खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।